नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में जलसा ए सीर तुनबी और नयातिया मुशायरा मस्जिद चार मीनार ऐशबाग स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के कारी और देश के अनेक उलेमाओं ने मुजाहिरा ए कीर्ति कुरान करीम प्रोग्राम में शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से आसिफ जकी, सैयद अली कादर, अनवर उल्लाह, ताबिश रेहान, अशवाक साहब बिराइची मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मुजाहिद हसनैन हबीबी ने किया। इस कार्यक्रम के समापन पर देश के विभिन्न सूबों से तशरीफ लाए उलेमाओं और कारी हजरतों का शील्ड देकर सम्मान किया गया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। और नाजिम की हैसियत से चाहे वो बदल का मुशायरा हो, चाहे वो नातिया मुशायरा हो, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो सियासत की महफिल हो, लेकिन मेरे दोस्तों भोपाल आते आते बड़ी ताकत हो। बहुत देर रास्ते भर, जैसे बनारस से पहली फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली आया और 2.5 घंटा वहां वेटिंग रूम में बैठा, तो दिल बार बार यही सवाल कर रहा था कि भोपाल इतनी ताखीर में अभी भी क्यों जा रहा है। तो दिल ने बहुत ही संतुष्ट होकर जवाब दिया और मुतमईन कर दिया कि हबीबी बुलंदी पे आदमी देर ले जा। फिर ये कहा कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों में, रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों में, बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल में बसने वालों। तो ये आपकी मोहब्बतों की जंजीर में जकड़े मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। हाय हाय हाय, अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं खुद ही दाद दे दूंगा, कहूंगा हाय हाय सुभान अल्लाह, फिर बाद में कहूंगा वाह रे माय। थोड़ा सा बोलिए, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। थोड़ा सुभान अल्लाह तालियां नहीं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं उधर से ट्रांसफर कीजिए तो इंशाल्लाह मेरे लिए डीजल और पेट्रोल का काम करेगा। चौथा गियर पे लेके मैं दौड़ा के चलूंगा आपको मदीना यूनिवर्सिटी तक इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। हजरत मुफ्ती साहब, काजी साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं और आपके हवाले से पूरे सामाईन तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, अरे वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। आइए मेरे दोस्तों आपके दरमियान। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।